नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो यूपी में दो चरणों में निकाय चुनाव होने हैं, जहां पर गोरखपुर में भी जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। और अगर गोरखपुर की बात करें तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है और इस सीट पर कई दशकों से भाजपा सत्ता पर काबिज हुई है। तो वहीं निकाय चुनाव की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प होगी, क्योंकि इस बार सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने तमाम दाव पेच का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जो लगातार लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क करते हुए भी नजर आए थे। तो गोरखपुर का क्या रहा इतिहास, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियां इस निकाय चुनाव को अपना निकाय बनाने में लगी हुई हैं और स्थानीय सरकार पर अपना दबदबा कायम करने के लिए राजनीतिक दल जी जान से लगे हुए हैं। शहर से लेकर गांव तक जनता के मुद्दों को जरूरी समझते हुए उन्हें पूरा करने के वादे किए जा रहे हैं। बात करें स्थानीय सरकार की, तो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों का वर्चस्व दिखाई दिया था। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले निकाय चुनाव का होना लोकसभा चुनाव के लिए एक सेमीफाइनल के लिए देखा जा रहा है और हर राजनीतिक दल जो है अपनी जोर आजमाइश इसमें लगाने में लगा हुआ है। बात करते हैं निकाय चुनाव को लेकर पूर्वांचल के हृदय स्थली गोरखपुर की, जहाँ पर पिछले 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी का महापौर की सीट पर दबदबा रहा है। अगर बात की जाए तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी इस सीट से अपना दावा पहले की तरह पुख्ता तरीके से ठोक भी रही है। अगर बात करें तो इस सीट से समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को लड़ाकर ओबीसी दाव खेला है, लेकिन ये जो सीट है गोरखपुर की, ये कायस्थों की सीट कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि करीब 1 लाख कायस्थ वोट जो है यहाँ पे रहते हैं और कायस्थ समाज की बहुत पहले से ही मांग रही है कि उनके वर्ग का, उनकी जात का कोई प्रत्याशी उनका प्रतिनिधित्व करे। निकाय चुनाव में गोरखपुर सीट की क्या भूमिका? गोरखपुर सीट ये वो जगह है जो यूपी के सियासी समीकरण का मुख्य जगहों में से एक मानी जाती है। गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, इस लिहाज से भी ये इलाका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गोरखपुर सीट को लेकर रस्साकशी भी शुरू हो गई थी। जातीय समीकरण के हिसाब से भी ये जगह काफी ज्यादा अहम हो जाती है, पर सबसे अहम बात यह है कि पिछले 28 साल से गोरखपुर की मेयर सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। गोरखपुर मेयर सीट पर बीजेपी का कब्जा, 28 सालों का है वर्चस्व। 1995 राजेंद्र शर्मा, 2000 अमरनाथ यादव, 2006 अंजू चौधरी, 2012 डॉक्टर सत्या पांडे, 2017 सीताराम जायसवाल। बता दें कि नगर निगम में महापौर की सीट इस बार अनारक्षित हो गई है। साल 1994 में नगर निगम के गठन के बाद से मेयर की सीट 3 बार अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 बार अन्य पिछड़ा वर्ग महिला और 1 बार सामान्य महिला के लिए आरक्षित रही है। 1 बार को छोड़कर हर बार मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 1 बार ट्रांसजेंडर अमरनाथ यादव उर्फ आशा देवी मेयर बनी, हालांकि तब भी ये सीट आरक्षित थी। उन्होंने मेयर का पद जीतकर प्रदेश में किसी नगर निगम में ट्रांसजेंडर के मेयर बनने का रिकॉर्ड बनाया था। इस बार सीएम योगी के शहर को चुनौती देने के लिए सपा ने ओबीसी का दांव चला है। गोरखपुर सीट पर विपक्षी बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन किस हद तक विपक्षी अपनी प्लानिंग में कामयाब हो पाएगा ये तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इस बार किन किन चेहरों पर खेला जा रहा है दांव? गोरखपुर से मेयर प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव बीजेपी, गोरखपुर से मेयर प्रत्याशी काजल निषाद एसपी, गोरखपुर से मेयर प्रत्याशी नवल किशोर नथानी बीएसपी, गोरखपुर से मेयर प्रत्याशी नवीन सिन्हा कांग्रेस। गोरखपुर में हैं इतने मतदाता,
10,48,462 हैं वोटर। गोरखपुर नगर निगम और 11 नगर पंचायतों में कुल 13,66,813 वोटर हैं। इनमें 7,43,413 पुरुष और 6,23,418 महिला वोटर हैं। नगर निगम में कुल 10,48,462 वोटर हैं। इसमें 5,75,826 पुरुष और 4,72,636 महिला मतदाता हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या कायस्थ मतदाताओं की है। भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर की सीट से मंगलेश श्रीवास्तव, जो शहर के जाने माने पैथोलॉजिस्ट हैं, उनको अपना उम्मीदवार बताया है। अगर बात करें तो वह आरएसएस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहली पसंद है। इसके बाद कांग्रेस ने एक कायस्थ कार्ड खेलते हुए नवीन सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने नवल किशोर नथानी को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है, जहां समाजवादी पार्टी भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद पर दाव खेल रही है। अगर इस सीट की जाति समीकरण की बात करें तो करीब 1,00,000 वोट कायस्थों के हैं और काफ़ी लंबे अरसे से कायस्थ समाज की यह मांग रही थी कि कोई उनके समाज से उनका प्रतिनिधित्व करे। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधानसभा के प्रस्तावक भी थे। पिछले 28 सालों से बीजेपी का दबदबा मेयर की सीट पर गोरखपुर में रहा है और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अपनी तरफ खींच के ले जाएगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। इस बार निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश की निगाहें खास तौर पर गोरखपुर सीट पर ज्यादा रहेगी, क्योंकि ये इलाका सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा है। इस निकाय चुनाव को 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। स्थानीय सरकार के चुनाव में कौन सी पार्टी अपना दमखम दिखा पाएगी, ये तो आने वाले चुनावी नतीजों से ही पता चल पाएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो 28 साल से गोरखपुर की मेयर सीट पर भाजपा का ही दबदबा रहा है। यही वजह है कि इस बार के निकाय चुनाव में ये सीट भी कहीं ना कहीं हॉट सीट बनकर उभरी है, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां इस सीट पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, यानी कि ये सीट भाजपा से खींचकर अपने पक्ष में लाना चाहती है, तो वही भाजपा के सामने अब ये भी चुनौती है कि वो इस सीट पर यूं ही बरकरार रहे और अपना रिकॉर्ड को यूं ही जारी रखे। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।